हेलो गाइस, दिस इज़ डॉक्टर आशीष साहू। और पिछले कुछ वीडियोस के या फिर उसके पहले के वीडियोस में कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि मैं अपनी नीट स्टोरी शेयर करूं, तो आज की वीडियो में फिर वही करेंगे, मैं अपनी नीट स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगा। तो शुरू करते हैं कि मुझे नीट के बारे में सबसे पहले पता कैसे चला। तो जब मैं क्लास 9th में था, तब शायद मेरे पापा ने बताया था कि एक PMT नाम से एग्ज़ाम होता है, प्री मेडिकल टेस्ट, और उसके थ्रू MBBS जैसे कोर्स में एडमिशन होता है। तो ये मेरा फर्स्ट पहली बार मैंने PMT के बारे में सुना था। फिर उसके बाद 11th में ही शायद पापा ने एक MCQ बुक ला कर दी थी, जिसमें बायो फिज़िक्स और केमिस्ट्री के MCQs वगैरह थे, और पास्ट ईयर के जितने भी CGPMT के एग्ज़ाम्स थे उसके कुछ कुछ क्वेश्चन दिए हुए थे। तो उससे कुछ कुछ आइडिया ज़रूर हुआ कि ठीक है, सिलेबस तो वो यही था 11th और 12th का, फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो, लेकिन उससे फिर आइडिया हुआ कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं PMT में। हालांकि 11th और 12th में भी मैंने कुछ खास तैयारी नहीं की थी प्री मेडिकल टेस्ट के लिए, क्योंकि मैं अपने बोर्ड्स के ऊपर ही पूरा पूरा फोकस था। उसके बाद 12th में मैंने पहली बार AIPMT का फॉर्म भरा था। उस टाइम ये नीट ही AIPMT था। मेरे ख्याल से थोड़े ही माइनर चेंजेस हुए हैं उस टाइम और अभी तक, बाकी सब सेम है। और उसके बाद जब मेरे 12th के बोर्ड्स एग्ज़ाम हो गए, तो उसके बाद क्योंकि नीट एग्ज़ाम में मेरे ख्याल से 1-1.5 महीना बच गया था, तो मैंने सोचा यहाँ पे क्रैश कोर्स करना ज़्यादा सही रहेगा, उससे एक अच्छा आइडिया हो जाएगा, और अगर ड्रॉप लेना रहा तो उससे भी काफ़ी पहले से आइडिया हो जाएगा किस तरह से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। तो मैंने भिलाई में कोचिंग में क्रैश कोर्स ज्वाइन किया। मैं अभी फ़िलहाल कोचिंग का नाम नहीं ले रहा हूँ, इसके पीछे का रीज़न आपको आगे किसी वीडियो में बताऊंगा। तो वहाँ फिर कोचिंग में पहली बार नीट पे फोकस करें या AIPMT पे फोकस करके पढ़ाई शुरू की। बहुत मज़ा आया, वहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे थे, बहुत मज़ा आता था। आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ, काफ़ी अच्छा है। जब हम वहाँ पर गए क्रैश कोर्स के लिए, तो जैसा कि मैंने बताया कि नीट एग्ज़ाम के लिए 1-1.5 महीने का समय बचा हुआ था। एक दिन में हमारी मेरे ख्याल से 6 घंटे की क्लासेस लगती थी, और उसमें तीनों सब्जेक्ट के सिलेबस उनको कंप्लीट करने होते थे, फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो। तो उतना टाइम नहीं था कि वो सब कुछ पढ़ाते, और सब कुछ ज़रूरी भी नहीं था। तो जैसे ही कुछ दिन हमारा कोचिंग स्टार्ट हुआ था, मेरे ख्याल से 1 हफ्ते हुए थे, तो उसके बाद किसी स्टूडेंट के पेरेंट ने कोचिंग में कॉल किया, और ये थोड़ा कंप्लेन कर रहे थे कि सब कुछ नहीं पढ़ाया जा रहा है, जैसे कि फ़िज़िक्स में हमारी बुक्स में डेरिवेशन वगैरह होता है फॉर्मूला का, वो नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो टीचर्स ये बात करके काफ़ी हंसते थे और हम लोग भी हंसते थे। ठीक है, खैर, पेरेंट्स की भी गलती नहीं है, उनको भी सब कुछ नहीं पता होता, तो ठीक है। फिर वहाँ कोचिंग में कुछ कुछ फ्रेंड्स भी मिले क्रैश कोर्स के टाइम पे, जिसमें से एक मेरा फ्रेंड है अनुराग प्रताप का, जो कि फिर उसने भी 2 बार ड्रॉप लिया, मैंने भी 2 साल ड्रॉप लिए, और उसके बाद फिर हम दोनों के दोनों यहाँ सेलेक्ट हुए PTGNM मेडिकल कॉलेज में 2016 बैच में। तो वो अभी फ़िलहाल मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट पर पोस्टेड है। तो फिर वहाँ पे कुछ और फ्रेंड्स मिले, उसमें से 1-2 फ्रेंड्स ने पहले भी पिछले साल भी नीट का एग्ज़ाम दिया था। तो मैंने उनका क्वेश्चन पेपर देखा, और क्वेश्चंस देख के, स्पेशली बायो केमिस्ट्री के क्वेश्चन देख के, मुझे ऐसा लगा कि ये क्वेश्चन मतलब सॉल्व हो सकते हैं, इट इज़ वेरी इजी अगर आप अच्छे से स्टडी करते हैं। तो उसके बाद काफ़ी इजी है, क्योंकि हम हवा बना देते हैं कि हाँ ये बहुत बड़ा एग्ज़ाम है। तो यहाँ पे मैं वही कहूँगा कि अगर आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सबसे पहले उनका क्वेश्चन पेपर देख लीजिए कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि हाँ कि क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। और फिर क्रैश कोर्स के बाद मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया, जिसमें कुछ खास नंबर नहीं आए थे, मेरे ख्याल से 200 नंबर के आसपास आए थे। तो ठीक है, फर्स्ट अटैम्प्ट के हिसाब से ठीक था, लेकिन जो मेरा एम था क्रैश कोर्स का, वो पूरा हो गया था कि मुझे एक तरह से ओवरव्यू लेना था कि एक्चुअल में किस तरह से पढ़ाई करनी होती है, वो मुझे पता चल गया था कि नीट के लिए हाँ कैसे पढ़ना है। और उस कोचिंग के टीचर्स मुझे बहुत अच्छे लगे, और इसी कारण मैंने जब मैंने फ़र्स्ट अपना ड्रॉप लिया, तो मैंने फिर से वही कोचिंग ज्वाइन की। तो मैंने जब भिलाई में कोचिंग ज्वाइन की थी शुरू शुरू में, तो उस टाइम पापा ने पूछा भी था कि कोटा में तो बढ़िया कोचिंग होती है, बहुत लोग क्योंकि जाते हैं, उन्होंने भी सुना था। तो उन्होंने मुझसे भी पूछा था कि क्या मैं वहाँ जाके कोचिंग करना चाहूँगा, तो मैंने उस टाइम मना कर दिया था, क्योंकि मुझे लगा कि भिलाई में ही रहकर कोचिंग की जा सकती है और अच्छे से पढ़ाई की जा सकती है, सेलेक्ट हुआ जा सकता है। तो उसके बाद फिर मैं भिलाई शिफ्ट हुआ, सेक्टर 10 में रहता था उस टाइम, और फिर मैं मॉर्निंग बैच में कोचिंग जाता था। और जब पढ़ाई शुरू हुई तो बहुत मज़ा आने लग गया, क्योंकि वहाँ के टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते थे। केमिस्ट्री में रॉय सर थे, और चिन्मय घोष सर थे, और फिज़िक्स में बाबू सर थे, एक्चुअली उनका रियल नेम कुछ और है, बट सब उनको बाबू सर के नाम से जानते हैं। वो HC वर्मा से पढ़ाते थे, उनकी बुक से पढ़ाते थे, तो उनको सारा का सारा कि कौन से चैप्टर के
कौन से क्वेश्चन का क्या सॉल्यूशन होगा उनको अच्छे से पता होता था, तो वो पढ़ाते थे, बहुत मज़ा आता था। और जूलॉजी में सिंघल सर थे, बॉटनी में चक्रवर्ती सर थे, बहुत मज़ा आता था जब वो पढ़ाते थे, तो उसके भी सारे का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता था। स्कूल में ऐसा होता है कि सारे के सारे सब कुछ पढ़ाया भी नहीं जाता, और जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी नहीं करते वो स्किप भी कर दिया जाता है, क्योंकि टाइम भी कम होता है, सिलेबस के लिए छोटी छोटी क्लासेस होती है। तो लेकिन वहाँ पे सारा का सारा कॉन्सेप्ट इतना अच्छे से पढ़ाया जाता था कि पढ़ने में बहुत मज़ा आता था। फिर कोचिंग में कुछ फ्रेंड्स भी मिले, जैसे कि नूरेंद्र सिन्हा, जो कि उसने भी फिर दो ड्रॉप लिया और उसके बाद 2016 बैच में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जगदलपुर में सेलेक्ट हुआ, और उसने अभी फिर MBBS कंप्लीट करके वो मेडिकल ऑफिसर है। इसी तरह से एक फ्रेंड था मयंक करके, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन वो अभी PhD कर रहा है। और उससे मैं अभी 2015 के बाद पिछले दो हफ्ते पहले ही मिला था, और हम दोनों मूवी गए थे, रॉकेट्री मूवी गए थे, तो वहाँ पे उससे मुलाकात हुई। एक और फ्रेंड है जितेंद्र साहू करके, वो भी उसने भी दो ड्रॉप लिया, और उसके बाद वो भी PT जनरल मेडिकल कॉलेज में मेरे ही साथ सेलेक्ट हुआ, और वो भी अभी मेडिकल ऑफिसर है। एक और फ्रेंड थी पद्मिनी साहू, वो भी उसने भी दो ड्रॉप लिया, और फिर वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव में सेलेक्ट हुई, और उसका भी MBBS कंप्लीट हो गया है, वो भी मेडिकल ऑफिसर है अभी। और किसी का नाम भूल रहा हूँगा तो सॉरी, कमेंट कर देना। तो क्लासेस चल रही थी, बीच बीच में टेस्ट भी होते थे, टेस्ट में भी बस ठीक ठाक नंबर आते थे। और लेकिन उस समय फर्स्ट ड्रॉप में मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहती थी, जिसके कारण मेरी काफ़ी ज़्यादा क्लासेस मिस हो जाती थी। बीच में मुझे जॉन्डिस भी हो गया था, उसके कारण भी काफ़ी सारे क्लासेस मिस हुई, और काफ़ी पढ़ाई डिस्टर्ब हुआ उसके कारण भी। और उसके बाद फिर फरवरी में हमारा कोर्स कम्प्लीट हुआ वहाँ कोचिंग में, और उसके बाद मैं मार्च में घर आ गया था, और फिर घर में ही पढ़ाई कर रहा था। और उसके बाद फिर मई के फर्स्ट वीक में फर्स्ट संडे को ये एग्ज़ाम होता था नीट का, तो वो एग्ज़ाम हुआ, वो भी ठीक ठाक गया था। और उसके बाद फिर जून में CGPMT का एग्ज़ाम हुआ, और जिसके लिए मुझे सेंटर मिला था भिलाई का कल्याण कॉलेज, और दो शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए थे। और उसके बाद फिर से उस समय कुछ न्यूज़ आ रही थी कि शायद नीट का पेपर लीक हुआ है या फिर कुछ, और मुझे ठीक से याद नहीं है, तो उसकी वजह से नीट एक बार फिर से हुआ एक दो महीने बाद, और उसमें भी मेरा वो एग्ज़ाम ठीक ठाक गया था। तो फिर जब रिज़ल्ट आया तो मेरे दोनों के दोनों नीट में लगभग 400 के आसपास आ रहे थे, और CGPMT में मेरा आया था 112 out of 200, जिसमें मेरी छत्तीसगढ़ में ओवरऑल रैंक थी 382, और OBC कैटेगरी रैंक था 105 के आसपास। तो मैंने काउंसलिंग में डाल दिया था, लेकिन उसमें मुझे सीट नहीं मिल पाई, तो फर्स्ट ड्रॉप में नहीं हुआ सिलेक्शन। क्यों नहीं हुआ सिलेक्शन, इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अब सेकंड ड्रॉप लेना है। और इस बीच जब फर्स्ट ड्रॉप के बाद का जो ये रिज़ल्ट आ गया था जिसमें सिलेक्शन नहीं हुआ था, और सेकंड ड्रॉप जब मैंने लिया उसके पहले थोड़ा सा टाइम था, तो उस टाइम बाकी लोग ऐसा सोच सकते हैं कि सेकंड ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं चाहिए, तो लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था। मतलब मैंने बस सोच लिया था कि सेकंड ड्रॉप लेना है, और मेरे घर वाले फिर मुझे पूरा पूरा सपोर्ट किया उन्होंने, और उसके बाद फिर मैंने सेकंड ड्रॉप लिया, और मैंने फिर से भिलाई की वही वाली कोचिंग ज्वाइन की, क्योंकि मुझे पता था कि मैं इन्हीं टीचर से पढ़ने वाला हूँ। तो मैंने फिर से वही कोचिंग ज्वाइन की, और फिर चला गया, फिर से क्लासेस स्टार्ट हुई। इस बार पढ़ने में और भी ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि काफ़ी कुछ इस बार पता भी था कि हाँ, पिछले बार मतलब फर्स्ट ड्रॉप में पढ़ा हुआ था, तो इस बार वो बस वो वाला पार्ट रिवाइज हो जाता था, और कुछ जो नई चीज़ें हैं वो ऐड होती जाती थी। और इस बार टेस्ट सीरीज़ में भी काफ़ी अच्छे मार्क्स आते थे, तो उससे भी कॉन्फिडेंस बूस्ट होता था। और इस बार भी कोचिंग में बहुत सारे फ्रेंड्स मिले, जिसमें से बहुत सारे लोग सेलेक्ट हुए, जैसे गुलशन पटेल है, मनोज साहू है, हरीश गवेल है, स्मिता साहू है, प्रीति साहू है, राजू प्रसाद गुप्ता है, और भी ऐसे बहुत सारे नाम हैं, मैं अभी फ़िलहाल सबका नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये लोग उस टाइम MBBS में सेलेक्ट हुए, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो MBBS में सेलेक्ट नहीं हो पाए, लेकिन फिर भी वो दूसरे कोर्सेज में गए, वहाँ पे अच्छा कर रहे हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आप सिर्फ MBBS में सेलेक्ट होंगे तो ही आपकी लाइफ अच्छी होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप दूसरे कोर्सेज में भी जाते हैं और वहाँ पर अपना 100% देते हैं, तो ज़रूर आपके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आएंगे, और आप ज़रूर कुछ अच्छा करेंगे। और फिर इस बार भी APMT दो बार हुआ, पता नहीं किस रीज़न से, एक बार मई में हुआ, फिर एक बार जुलाई में हुआ, और बीच में आई थिंक 11 जून को CGPMT का एग्ज़ाम हुआ, जिसमें इस बार मुझे सेंटर मिला था साइंस कॉलेज दुर्ग का, दो शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए थे। और AIPMT में इस बार मेरे आए थे अराउंड मेरे ख्याल से 450 से 500 के बीच में शायद नंबर थे, और CGPMT में इस बार मेरे नंबर आए थे
119 आउट ऑफ 200, लेकिन इस बार रैंक काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई थी। मेरा ओवरऑल सीजी रैंक था 65 और ओबीसी में कैटेगरी रैंक मेरे ख्याल से 18 के आसपास था। और सीजीपीएमटी का उस टाइम रिज़ल्ट आया था 24 जून को, लगभग आई थिंक दोपहर को 3 या 4 बजे के आसपास रिज़ल्ट आया था। और मेरे दोस्त नूरेंद्र ने मेरे को कॉल किया, उसने बोला कि यार तेरा तो अच्छा है, जेएनएम मिल जाएगा तुझे। और फिर अपना बताया कि मुझे मेरे ख्याल से सिम्स या फिर जगदलपुर मिलेगा। और फिर मैंने ये बात घर में बताई तो घर वाले खुश हुए। तो ये जो पार्ट है कि उसने कॉल किया, मैंने घर में ये बात बताई, ये अभी भी एक थोड़ा सा सपना जैसा लगता है कि क्या ये सच में हुआ था। जैसा कभी कभी लगता है कि अरे ये तो मैंने सपने में कभी देखा था, इस टाइप से। तो फिर उसका घर वाले काफ़ी खुश हुए, मम्मी पापा दादी भैया सब और फैमिली वाले। और पापा उस टाइम मेरे से कॉल में बात हुई थी, तो उन्होंने ये बोला मुझे कि जैसे सेकंड ड्रॉप के दौरान अपनी फ़ोन पे बात होती थी, तो मैं कहता था कि इस बार तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो उन्होंने मेरे को यही बात रिमाइंड कराई कि मैं कहता था कि इस बार सिलेक्शन हो जाएगा, कॉन्फिडेंटली कहता था, तो अच्छा लगा। और ये काफ़ी अच्छा मोमेंट होता है, अच्छा फील होता है जब आपके पेरेंट्स आपकी वजह से प्राउड फील करते हैं। और फिर उसके जस्ट अगले दिन 25 जून को मेरा बर्थडे था, और मैं कितने साल का हो गया था, 19 साल का हो गया था। तो मम्मी पापा ने बोला कि ये जो रिज़ल्ट है यही मेरा सबसे बड़ा गिफ्ट है, और ऐसा बोल के उन्होंने मुझे गिफ्ट नहीं दिया। तो ठीक है, उसके बाद फिर थोड़े दिन के बाद जब डेट आई एडमिशन के, तो पीटी जनरल मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया। अपने बाकी फ्रेंड्स भी थे वहाँ, मेडिकल वेडिकल बनवाया, दौड़ भाग की, फिर एडमिशन लिया। और फिर 1 सितंबर 2016 से क्लासेस शुरू हो गई और एक और जर्नी शुरू हो गई दूसरी। तो मेरे सिलेक्शन में जो सबसे बड़ा रोल था वो था मेरी फैमिली का, मेरे पेरेंट्स का, जिन्होंने शुरू से लेकर आखिरी तक मुझे सपोर्ट किया। और अभी भी जब मैं यहाँ पे छत वाले रूम में पढ़ते रहता हूँ, तो मम्मी नीचे जब कुछ काम रहता है तो कोशिश करती है कि पढ़ाई के टाइम मुझे डिस्टर्ब ना हो, कि अभी भी वो ध्यान रखती है। और कभी भी मुझ पर ऐसा कोई प्रेशर नहीं था कि मुझे करना ही है, सिलेक्ट होना ही है। बस वो कहते थे कि अपनी तरफ से कोशिश करनी है, सिलेक्शन होना ना होना बात की बात है। और श्री कृष्ण ने गीता में भी यही कहा है कि हमारे अधिकार सिर्फ कर्मों पर है। और यही थी मेरी नीट की सिंपल सी स्टोरी। और अब जो नीट के एस्पिरेंट देख रहे हैं उनके लिए मैसेज है कि आने वाले कुछ नेक्स्ट वीडियोज़ अब ऐसे भी बनाऊँगा जिसमें मैं अपने नीट के टाइम के एक्सपीरियंसेस आपके साथ और डिटेल में शेयर करूँगा कि फर्स्ट ड्रॉप में मैंने ऐसी कौन कौन सी गलती की जो आपको नहीं करनी चाहिए और जिसके कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, और सेकंड ड्रॉप में मेरी पढ़ाई की स्ट्रेटजी कैसे मैंने चेंज की और किस तरह से मेरा सिलेक्शन हुआ, और हिंदी मीडियम वाले कैसे करें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ, कैसे पढ़ाई करूँ, आगे क्या होगा, उसके बारे में भी डिटेल से बात करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर देना, और कुछ नीट एस्पिरेंट्स जो आपके फ्रेंड्स होंगे उनके साथ शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।